गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विष्णु कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर कैपेसिटर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आज उस पर बेस्ड हम नेटवर्क में सी कूलेंट कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कंबाइंड से बनेगा हमारे पास नेटवर्क है, उसमें सी इक्विवेलेंट का वैल्यू यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले बेटा हम एक बार रिवाइज कर लें कि सी इक्विवेलेंट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो हमने कहा था कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने टाइप का था बेटा? कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप का आया था हमारे पास, फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड पैरेलल। फर्स्ट क्या था बेटा? सीरीज, एंड सेकेंड क्या है? पैरेलल। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बात करें, सपोज दैट टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड हैं, लाइक दिस C1, C2 एंड C3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, उनका सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? सी इक्विवेलेंट क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा, कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, कितना आ रहा है? 1/C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा। कितना आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सपोज दैट देर आर थ्री कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टली आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ इसमें सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम? तो सी इक्विवेलेंट का सर वैल्यू सिंपल हमारे पास है, इसका वैल्यू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को हमारे पास सीरीज और पैरेलल की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी नेटवर्क का सी इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होनी चाहिए कि तभी आप नेटवर्क का कैपेसिटेंस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम बेटा कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम लेके चल रहे हैं बेसिक से। किससे बेटा? बेसिक से क्वेश्चन हमारे पास हैं। हमें क्या करना है? सबके लिए क्वेश्चन हमारे पास कॉमन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में हम बात करेंगे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नेटवर्क देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। क्या होगा? इट्स अ पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इस टाइप से गिवन है हमारे पास। नाउ हमें क्या फाइंड करना बेटा? ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी, दैट मीन्स हम ये कहते हैं ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। अब यह हम कैसे सोल्व करेंगे? इस टाइप से। ठीक है, अब देखो ऐसे नेटवर्क क्वेश्चन से हम बात करेंगे सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या कर रहा हूँ, पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करनी है। स्टार्टिंग बेटा सबसे पहले वो देखनी है कि हमारे पास कोई भी टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि कौन से दो कैपेसिटर्स हैं, टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स सॉरी, जो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं डायरेक्ट हमारे पास क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है क्या? नहीं सर, बिकॉज इसके बीच में अनदर कैपेसिटर आ रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे क्या? क्या सीरीज में कनेक्टेड होंगे? बिल्कुल नहीं, रीजन बीच में कनेक्शन लाइन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको इंडिविजुअली हम बात करें सेपरेटली देखा जाए टू और मोर देन टू कैपेसिटर ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो डायरेक्टली क्या हो, या तो सीरीज में कनेक्टेड है अदरवाइज पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर? अब देखिए इस डायग्राम को देखते हुए क्या लग रहा है बेटा, इसको देखते हुए लग रहा है कि ये जो कैपेसिटर बेटा, ये दो कैपेसिटर गिवन है, ये क्या होंगे बेटा? कहाँ कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। देखिए दोनों का जो हमारे पास है लेफ्ट साइड का जो पोर्शन हमारे पास है किसी कॉमन पॉइंट से, राइट साइड का पोर्शन किसी अनदर कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे बेटा? कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? इन दोनों का
इन दोनों के दोनों से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, यही था। तो यहां बात करेंगे सर, सी प्लस सी कितना होगा, टू सी, कितना जाएगा टू सी। इसका डायग्राम अगेन बना दी बेटा, ये पॉइंट है हमारे पास कैपेसिटर, अगेन कैपेसिटर, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया टू सी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां से मेरे पास बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसको पॉइंट में कंसिडर कर लो कोई भी, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट हो गया, ये S पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे P कनेक्ट किया मैंने एक सिंगल कैपेसिटर, ऐसे P कनेक्ट किया मैंने एक सिंगल कैपेसिटर, क्लियर। अब देखिए P से कितने कनेक्ट है बेटा, P से Q कनेक्ट है सिंगल कैपेसिटर, ये P से Q कनेक्ट हो गया, फिर Q से R कनेक्ट है बेटा कितना, C एंड C कितना हो गया था टू सी, टू सी का एक सिंगल कैपेसिटर, ये पॉइंट R भी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए R से कनेक्ट है बेटा एक S पॉइंट, कितना कैपेसिटर है C, यही है, ये हमारे पास ही हो गया नाउ। और P और S के बीच में कैपेसिटर कनेक्ट है P और S, ये हेलो, ठीक है। फिर S से कितना कैपेसिटर कनेक्ट है, सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट है किससे, B से, ये हेलो, इसी टाइप से गिवन है। अब देखिए इट्स सी इज सी, अब बताइए मुझे इसको सोल्व करना है कैसे करेंगे बेटा हम, तो सबसे पहले क्या देखना है हमारे पास, यहाँ से देखने पर क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि P और S के बीच में तीन जो कैपेसिटर हमारे पास कनेक्टेड हैं C टू C एंड C, कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, कौन से कॉम्बिनेशन में, अरे भाई C P Q Q R एंड R S एक ही लाइन में हमारे पास है, और सिंगल लाइन में जो कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन से होंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम देखा जाए इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड कर ले, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा बेटा, ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ए पॉइंट से पी पॉइंट, एस पॉइंट, और अगेन क्या हो गया मेरे पास बी पॉइंट, क्लियर हुआ। ये सी गिवन है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा, वन अपॉन में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा, वन बाई सी इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाई सी प्लस वन बाई टू सी प्लस वन बाय सी, क्लियर यहाँ तक, वन बाई सी प्लस वन बाई टू सी प्लस वन बाय सी। एलसीएम सॉल्व कीजिए बेटा कितना आएगा, टू सी, एलसीएम कितना आ रहा है टू सी, कितना होगा टू प्लस वन प्लस टू, कितना होगा बेटा फाइव बाई टू सी। तो ये तो वन बाई सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया टू सी बाय फाइव, ये हो गया सर टू सी बाय फाइव, क्लियर यहाँ तक। अच्छा ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट सोल्व करें हम, इसके बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होती है, यहाँ मेरे पास क्या गिवन है, ये दोनों किस में होंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है भाई। ये दोनों सीरीज में होने से पहले दोनों किस में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे सोल्व करते हैं बेटा, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास इस टाइप से ये पॉइंट ए है, इट्स अ पॉइंट पी है, इन दिस पॉइंट एस एंड दिस बी, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये गिवन है सी, ये गिवन है सी, अब ये हमें सोल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है मेरे पास कितना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से पॉइंट की बात करें, पी एंड एस, कैसे करेंगे हम, कितना हो जाएगा, तो पी और एस के बीच में देखा जाए बेटा सी टू सी बाई फाइव प्लस सी, तो फाइव सी प्लस टू सी कितना हो गया, सेवन सी बाई फाइव, सेवन सी बाय फाइव, क्लियर है। तो ये कैपेसिटर कितना बेटा, सेवन सी बाय फाइव। अब मुझे सोल्व करना है बिटवीन ए एंड बी, क्लियर है। तो ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हमारे पास, ये लो ए और बी के बीच का हमारे पास ये हो गया ए एंड दिस बी पॉइंट। अब मुझे ये निकालना है सी ए बी जो हमारे पास होगा इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, सी ए बी की वैल्यू। तो देखिए बेटा ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर कनेक्ट हैं, वन टू एंड थ्री, कैसे कनेक्ट है बेटा, सीरीज और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें कनेक्ट है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वन बाई सी इक्वल टू कितना आएगा, ए बी मान लें, वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाय सॉरी फाइव बाई सेवन सी। अरे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वन अपॉन सी, इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन सी, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा फाइव बाय सेवन सी, क्लियर। अच्छा एलसीएम लीजिए बेटा कितना आएगा, एलसीएम सेवन सी आ रहा है सर, सेवन प्लस सेवन फोर्टीन प्लस फाइव
19 बाय 7 सी, दैट मीन्स सी इक्वलेंट का वैल्यू क्या आएगा बेटा, सी ए बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7c/19। क्लियर है यहाँ तक? इस टाइप से हमें क्या करना है, किसी भी नेटवर्क का सी इक्वलेंट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, उसका एक इजी डायग्राम बना लें हम, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन से कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टर हैं और कौन से कैपेसिटर हमारे पास क्या है पैरेलल में कैपेसिटर है। ठीक है, सी इक्वलेंट के लिए मतलब से सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इक्वल कितना आएगा 1/C1+1/C2, और पैरेलल के लिए क्या यूज करेंगे C इक्वल टू C1+C2। क्लियर? चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ओके डन, चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ टाइप से गिवन है। नाउ अगेन वही हमारे पास है, फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इफ द ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। इस टाइप से हमारे पास गिवन है, सॉरी आइडेंटिकल नहीं है हमारे पास, ये लो। नाउ बिटवीन ए एंड बी हमें क्या करना है, सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से कैपेसिटर्स हमारे पास है पर्टिकुलरली सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड है। टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स कोई भी बात करें, क्या ये दोनों कैपेसिटर डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट होंगे? नहीं सर। क्या ये दोनों कैपेसिटर डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट होंगे? बिल्कुल नहीं है। रीजन हमारे पास बीच में कोई हमारे पास जंक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या हम बात करें बेटा, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड है। हाँ सर, ये दोनों कैपेसिटर क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, इनके अलावा इसमें बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास सी एंड सी पैरेलल में हमारे पास कनेक्टेड है, कितना हो जाएगा बेटा सी एंड सी कितना हो जाएगा पैरेलल में, C1+C2 होता है फॉर्मूला, तो सी और सी कितना हो गया बेटा 2C, कितना हो गया बेटा 2C। इसी का हम डायग्राम अगर वापस अगर रिपीट करें तो क्या होगा बेटा, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये कैपेसिटर हो गया 2C, अगेन क्या है हमारे पास आगे सीरीज में 2C आ गया। नाओ इनके पैरेलल में हमारे पास क्या लगा हुआ बेटा, सी कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उसके आगे अगेन हमारे पास क्या है बेटा 2C। नाओ नेक्स्ट पैरेलल में क्या है हमारे पास सी। अब बताइए अब स्टार्ट किससे करेंगे बेटा हम, तो देखिए इन दोनों का मत करें तो सबसे पहले क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में होंगे क्या? नहीं सर। ये दोनों सीरीज में होंगे? बिल्कुल सर, ये दोनों सीरीज में होंगे। इन दोनों को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इन दोनों का 2C और 2C। देखिए हमारे पास क्या है, अगर इफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में बात करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना हो जाएगा C/N। आइडेंटिकल अगर n कैपेसिटर हैं, ईच कैपेसिटर का कैपेसिटर कितना गिवन है C गिवन है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा C/N, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में अगर हमारे पास n कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा NC। यही था? अच्छा ठीक है, यहाँ बात करिए बेटा ये क्या है, सीरीज में है, कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं? सर 2 कैपेसिटर कनेक्ट है, ईच ऑफ द कैपेसिटेंस कितना गिवन है बेटा 2C, यहाँ कितना जाएगा 2C/2, कितना हो गया सर अगेन C। ले लो यहाँ तक? अच्छा ठीक है, फिर इसका बात करें अगेन एक डायग्राम बनाइए बेटा, ये C हो गया पैरेलल में C है, फिर 2C है, फिर पैरेलल में C है, ये बी पॉइंट है, इससे पॉइंट ए 2C C। क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब बताइए इन दोनों सोल किसी है क्या करेंगे, इन दोनों ये दोनों कौन से महंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में आएंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सी एंड सी कितना हो जाएगा सर 2C, कितना हो जाएगा 2C, और ये 2C मेरे पास है किसके साथ
टू सी के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, किसमें होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दो, इसका सीक्वलेंट कितना होगा 2C, इन दोनों का सीक्वलेंट कितना जाएगा सर 2C, और 2C अगेन कौन से में आ रहे हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि ये जो C और C 2C है, ये 2C और ये 2C मिलकर के सीक्वलेंट कितना बनाएंगे बेटा, कितना बनाएंगे, वेरी गुड। अरे सर ये 2C, ये 2C सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अरे दो कैपेसिटर कनेक्टेड तो 1/2 कर देंगे, थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड बेटा 1/3 यूज करते हैं, तो कितना जाएगा 1/2, तो ये दैट में कितना जाएगा सी, ये सी और ये सी फिर अगेन किसमें आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें आएंगे। एक बार इसका एक डायग्राम और बना लीजिए हमारे पास, इसका अगर मैं इस डायग्राम बनाऊँ तो इस टाइप से बन सकता है हमारे पास, ये टू सी मिलकर क्या हो जाएगा सी, एंड अगेन पैरेलल में क्या है सी, इस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो सी एंड सी पैरेलल में कितना आएगा बेटा, सी इक्वलेंट इस गोल्ड कितना आएगा 2C। क्लियर है यहाँ तक, कर सकते हैं सोलह सम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी दो कैपेसिटर हमारे पास है, टू और मोर देन टू कैपेसिटर हैं हमारे पास है, सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, हमारे पास गिवन है पॉइंट ए बी से 4C, 4C, 2C, 2C, C एंड C, ठीक है। फाइंड आउट द सी इक्वलेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये कैसे कैलकुलेट करें हमारे पास है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, तो हमारे पास कौन सी सोल्व क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारे पास, तो देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, 4C और 4C हमारे पास है, किसमें है बेटा, देखिए इसके अलावा और भी कोई कैपेसिटर है सर हमारे पास पॉसिबल है क्या, ये कौन सा कनेक्ट है हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ एक कैपेसिटर वो कनेक्ट है 2C। अब देखिए क्या ये दोनों पैरेलल में होंगे, क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, नहीं सर बीच में 2C कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा हम, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये सर 4C और ये 4C जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, हाँ सर दोनों आइडेंटिकल हैं, जब दो आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं हमारे पास है तो C/N कितना होता बेटा, C/N। इसका अगेन डायग्राम बना लीजिए बेटा, इसका क्या बनेगा हमारे पास सी, ये 2C, सी ये 2C हमारे पास है, और यहाँ से देखा जाए बेटा क्या है, ये 2C है, और ये क्या इन दोनों का सी इक्वलेंट कितना बना बेटा 4C/4C, 4C कितना जाएंगे 2C, कितना जाएंगे बेटा, अरे भाई C/N होता है फॉर्मूला, ये कितना हमारे पास है 4C है, और N के वैल्यू कितना गिवन हमें 2, दैट मीन्स 2C। ये लो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब कैसे सोल्व करें हमारे पास, ये पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, ये C गिवन है, अब कैसे सोल्व करेंगे सर, ये दोनों किसमें हमारे पास है, पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में कितना हो गया हमारे पास 2C एंड 2C कितना हो गया बेटा, पैरेलल में कितना होता है C1 + C2, सर 2C एंड 2C कितना हो जाएगा 4C, कितना हो जाएगा बेटा 4C, ये 4C हमारे पास हो गया, अगेन डायग्राम बनाइए बेटा इसका क्या बनेगा, अब देखिए यहां बात करें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कॉमन कैपेसिटर लगा दूंगा मैं, ये लो ये हो गया 4C, ये 2C एंड दिस 2C, ये C और ये C, इट्स ए पॉइंट A एंड दिस B, क्लियर। अब सोल्व कीजिए, अब किसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, सर हमारे पास यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है 2C और ये 4C दोनों किसमें बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। अब दोनों आइडेंटिकल है क्या, नहीं सर आइडेंटिकल नहीं है, अब आइडेंटिकल नहीं है तो क्या करेंगे हम,
सी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू क्या होगा बेटा हमारे पास है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, टू सी डॉट फोर सी अपॉन सिक्स सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, थ्री दैट मीन्स सर फोर सी बाय थ्री कितना आएगा बेटा, फोर सी बाय थ्री। अब देखिए अगेन डायग्राम बनाइए, इस टाइप से नेटवर्क बन रहा है हमारे पास, इट्स अ टू सी फोर सी बाय थ्री सी सी इट्स अ पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, क्लियर। अच्छा ठीक है, दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या होगा बेटा, सर पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सी पैरेलल का फॉर्मूला था सर सी वन प्लस सी टू, सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, सी वन प्लस सी टू कितना होगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या आ रहा है सर, टू सी प्लस फोर सी बाय थ्री सिक्स प्लस फोर टेन सी बाय थ्री कितना जाएगा, टेन सी बाय थ्री। अच्छा ठीक है, ये दोनों पैरेलल में सोल्व हो गए। अब देखिए वन इन दोनों का रिजल्टेंट और दिस, तीनों एक ही लाइन में हमारे पास, दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब यहाँ बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन में सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा हमारे पास, वो होगा वन अपॉन में सी प्लस वन अपॉन में सी और इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है बेटा, प्लस थ्री बाय टेन सी, रेसिप्रोकल यूज करेंगे हम तो एलसीएम ले लीजिए बेटा कितना आएगा, एलसीएम हमारा टेन, टेन प्लस टेन प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री सी बाय टेन, सॉरी ट्वेंटी थ्री बाय टेन सी। तो यहाँ से सी ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, टेन सी बाय ट्वेंटी थ्री, क्लियर हो यहाँ तक। इस टाइप से हम बात कर सकते हैं, जब हमारे पास है कोई भी नेटवर्क गिवन हो उसमें हमें क्या करना है, इजीली सी इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होगा बेटा क्या कि कौन से दो कैपेसिटर हमारे पास है सीरीज में कनेक्ट है या कौन से कैपेसिटर हमारे पास है टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। ओके डन, चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब टाइप चेंज करते हैं, हमारे पास सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप टू, टू टाइप के जो क्वेश्चन, सेकंड टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। एक तो हमारे पास नॉर्मल नेटवर्क गिवन होता है हमारे पास, उसका सी इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है। सेकंड हम बात करेंगे सी इक्विवेलेंट डिफाइंड करना है हमें, ठीक है, सी इक्विवेलेंट डिफाइंड करना है, बट हमारे पास क्या होंगे, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, क्लियर। अच्छा ठीक है, तो हमें पता है सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें गिवन है, इसका एरिया ऑफ द प्लेट कितना है ए, सेपरेशन कितना गिवन है डी। अब बात करें तो इसका सर या मीडियम कितना यूज करें, जब तक देखो बेटा जब तक मीडियम गिवन नहीं है तो क्या कंसिडर करोगे, एयर और फ्री स्पेस यही कंसिडर करेंगे। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है हमारे पास, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज गिवन ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज गिवन डी, ठीक है बात समझ ना बेटा। अगर यहाँ बात करें मेरे पास का कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी कंसिडर कर लो, ये स्मॉल ए है ये स्मॉल बी हो गया, ठीक है क्या होगा, देखिए बेटा क्या मीडियम गिवन है क्या, नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे सर, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही है। अच्छा ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट बी है, अगर कंप्लीट मीडियम मैं एप्सिलॉन आर से फिल कर दूं, ये लो अब क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ द ईच प्लेट गिवन ए है सेपरेशन डी गिवन है, अब कैसे करेंगे, तो सर इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स, जैसे कि ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए बाई डी, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है,
अब ध्यान से देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन में हमने क्या किया है, यही अगेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी गिवन है, ठीक है। यहां अगर आपसे बोला जाए हमारे पास है इसका हाफ पोर्शन, कितना हाफ पोर्शन को मैंने कोई भी डायलैक्ट्रिक मीडियम यूज किया है, इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन है कैपिटल के, कितना गिवन है कैपिटल के, बाकी रेस्ट पोर्शन में क्या है एयर है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए बेटा बिटवीन ए एंड बी की बात करें हमारे पास है, ये कितना है डी ए, एरिया ऑफ द ईच प्लेट कितना गिवन है कैपिटल ए। ध्यान से देखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो हमने बताया कि अगर पार्शियली अगर किसी मीडियम में, अगर कैपेसिटर में अगर पार्शियली कोई डायरेक्ट मीडियम यूज करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय एप्सिलॉन आर प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर डी माइनस टी, यही था फॉर्मूला, ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास यहां कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं, दो कैपेसिटर कंसिडर कर सकता हूं मैं, एक कैपेसिटर तो ये हो गया सी वन विथ डायलैक्ट्रिक मीडियम, सेकंड कैपेसिटर कौन सा हो गया सी टू विथ एयर मीडियम, क्लियर है यहां तक। एक तो हो गया हमारे पास सी वन जो किसके साथ बेटा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के साथ है, सेकंड हमारे पास है सी टू जो क्या है फ्री स्पेस और एयर का है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये C1 का जो है मेरे पास है नेगेटिव प्लेट होगा जो C2 की कौन सी प्लेट से कनेक्ट है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें पता है दो कैपेसिटर अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं बेटा सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, यही होता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, उदाहरण देखना बेटा, तो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटेंस फाइंड कर लें इनका, इंडिविजुअली कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा बात करें पहले, C1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, C1 देखिए ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बट यहाँ डायलैक्ट्रिक मीडियम कितना यूज किया मैंने K यूज किया है, तो हमारे पास इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K टाइम्स, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ द प्लेट तो कितना है मेरे पास A ही है, एरिया ऑफ द प्लेट कितना गिवन है बेटा A गिवन है, बट सेपरेशन कितना हो गया दो प्लेट के बीच का, C1 की बात कर रहा हूँ, ओनली C1 की बात कर रहे हैं, देखिए टोटल अगर बात करते तो सेपरेशन स्मॉल d है, बट अगर सिंगल C1 की बात करें तो D बाय टू, तो यहाँ बात करेंगे हमारे पास C का वैल्यू कितना होगा बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एरिया ऑफ द प्लेट A गिवन है सेपरेशन D बाय टू होगा, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखिए हमारे पास, ये तो C1 हो गया, C2 की वैल्यू की बात करें तो सर C2 में तो मेरे पास एयर मीडियम है, ठीक है इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है वन, इसमें क्या होगा सर अगेन एरिया तो वही रहेगा मेरे पास पर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सॉरी सेपरेशन कितना हो जाएगा डी बाई टू, यहाँ बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई टू, क्लियर है यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे देखिए बेटा तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी इक्वलेंट हमारे पास होगा सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, इन दोनों को डॉट कर दो, ठीक है तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डॉट सॉरी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी प्लस टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, अब नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन आ रहा है, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन आ रहा है, तो देखिए टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को बनाएगा मेरे पास क्या बचेगा ऊपर टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी डॉट टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी मेरे पास कॉमन आ रहा है के प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन में डी के प्लस वन, ये लो ये सी इक्विवेलेंट हो गया इसका, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं इसी के ऊपर, सपोज करो हमारे पास क्या होगा कि ये डायलैक्ट्रिक मीडियम जो हमारे पास है वर्टिकल में फिल ना करके हॉरिजॉन्टल में अगर फिल किया होता तो लाइक दिस, पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, वो डायलैक्ट्रिक कौन सा कितना है के गिवन है, अब बताइए
एरिया ऑफ द ईच प्लेट गिवन ए, सरफेस बिटवीन द प्लेट गिवन कितना स्मॉल डी। फाइंड आउट द अगेन सी इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, बाकी और को रफ करते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, हाँ बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास है, तो यहाँ हमारे पास देखिए अगेन वही बात है, ये मेरे पास एक सी वन कैपेसिटेंस कंसीडर कर लो, ये क्या हो गया सी टू कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, सी वन में देखिए हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो कितना कंसीडर करेंगे हम डी कंसीडर करेंगे हम, सी वन सी टू में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना कंसीडर करेंगे डी कंसीडर करेंगे, बट एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा जस्ट हाफ हो जाएगा। सी वन के लिए एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा हाफ हो गया, सी टू के लिए कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्लियर। एरिया हाफ हो गया, सेपरेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर। चलो ठीक है, यहां बात करें सी वन का वैल्यू कितना होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, एरिया हाफ हो गया, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के अपॉन में सेपरेशन कितना है स्मॉल डी, क्लियर। अच्छा ठीक है, सी टू की वैल्यू बात करें तो हमारे पास सी टू का वैल्यू क्या होगा, सी टू का हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना हो जाएगा जस्ट हाफ सेपरेशन डी, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों को कौन से कनेक्शन में जोड़ेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, सीरीज में पैरेलल में। तो देखिए ध्यान से, ये किसी बैटरी के पॉजिटिव, देखो जब भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में हमें क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो क्या कर देते हैं उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये लो ये कोई भी वोल्ट की बैटरी मान लो कंसिडर, कोई भी वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर लो आप, तो ये मेरे पास पोटेंशियल कितना कंसिडर करोगे जीरो, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी, ये पोटेंशियल अगर जीरो कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा वी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा। तो देखिए यहाँ से बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये भी क्या होगी पॉजिटिव प्लेट होगी, ये क्या होगी हमारे पास नेगेटिव प्लेट, ये भी नेगेटिव प्लेट होगी। अब बात करें दो कैपेसिटर आपको गिवन है जिनकी नेगेटिव नेगेटिव प्लेट किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है और पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट भी कोई भी कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, दैट मीन्स कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा होगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी का वैल्यू कितना जाएगा सी वन प्लस सी टू, सी इज़ इक्वल टू कितना जाएगा सी वन प्लस सी टू, अरे भाई दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल भी क्या है कनेक्ट है, तो सी वन प्लस सी टू का वैल्यू कितना होगा, कुछ कॉमन आ रहा है सर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी कॉमन आ रहा है के बाई सॉरी के प्लस वन, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो इसी के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैडम, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन, ए बी ये लो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये में गिवन है एरिया ऑफ द प्लेट कितना गिवन बेटा ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स गिवन है कितना डी, ठीक है। फटाफट देखिए, तो मुझे बताओ उसको देखने पर आपको क्या लग रहा है कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, फटाफट बताइए ई क्वेश्चन में कि आपको कि कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं, कितने कैपेसिटर कनेक्ट हैं फटाफट बताइए, कितने देख रहे हैं वेरी गुड, कितने हैं थ्री कैपेसिटर्स हैं। देखिए कौन कौन से हमारे पास हैं, फर्स्ट कैपेसिटर सी वन है, सेकंड सी टू है, नेक्स्ट कौन सा है सी थ्री है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब मैं कहता हूँ एरिया ऑफ द प्लेट कितना कैपिटल है, कैपिटल ए गिवन है, सी वन के लिए एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा, सी वन के लिए और सी टू के लिए एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा वेरी गुड, कितना हो जाएगा हाफ, एरिया ऑफ द प्लेट कितना हो जाएगा हाफ, अरे इसमें तो एरिया भी हाफ हो गया, सेपरेशन भी क्या हो गया हाफ हो गया, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से बात करेंगे सी वन सी टू में बात करें तो सी वन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सी वन के लिए बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, एरिया भी हाफ हो गया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये टोटल डी की होने कितनी जाएगी डी बाई टू, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्लियर यहाँ तक। अच्छा ठीक है, सी टू का वैल्यू कितना आ रहा बेटा हमारे पास, सी टू का वैल्यू सेम वही वैल्यू आएगी बट वो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के साथ है, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट
ए के बाई डी, ठीक है, क्लियर है तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सी थ्री की बात करें तो हमारे पास सी थ्री कितना हो जाएगा सर? एरिया तो हाफ है पर सेपरेशन डी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी, ठीक है। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, देखिए सबसे इनिशियली बात करें, क्या सी वन सी थ्री को पैरेलल में कनेक्ट कर दें? नहीं सर, रीजन बिकॉज सी वन का पॉजिटिव टर्मिनल सी थ्री के पॉजिटिव टर्मिनल से तो कनेक्ट है, पर सी थ्री का नेगेटिव टर्मिनल सी वन के नेगेटिव से कनेक्ट नहीं है, ठीक है बस में ही। इसलिए क्या करते हैं, पहले सी वन सी टू को सीरीज में सोल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो सी थ्री के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो हम बात करेंगे सी वन टू का रिजल्टेंट कितना आएगा, सी वन टू इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सर? सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, सी वन सी टू अपॉन में सी वन प्लस सी टू, तो यहाँ से कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू के अपॉन, इन दोनों को ऐड करना है सर, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन आ रहा है मेरे पास, के प्लस वन, एक एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कैंसिल आउट हो गया। सी वन टू कितना आ रहा बेटा हमारे पास, सी वन टू का वैल्यू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी के प्लस वन, क्लियर। अच्छा ठीक है, ये तो है सी वन और सी टू का इक्वलेंट। अब बात करिए किसके साथ कनेक्ट है बेटा, सी थ्री के साथ, किसमें, पैरेलल में। तो भाई सी वन टू को कंबाइंड करके बोले तो सी थ्री के साथ कौन से में कनेक्ट है, पैरेलल में। अब बताओ सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा, तो सर सी वन टू प्लस सी थ्री दोनों किसमें आएंगे, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, ऐड कर दें, कितना आएगा मेरे पास, दो को ऐड कीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी के प्लस वन प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी, कुछ कॉमन आ रहे हैं, आंसर कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। कितना बचेगा मेरे पास सर, टू भी कॉमन ले लो, टू यहाँ नहीं है तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी कॉमन आ गया, टू के अपॉन में के प्लस वन प्लस वन, क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं हमारे पास, चाहे यहाँ बात है तो यहाँ कोई भी आ रहा है तो डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर सकते हो, या कुछ और डायलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं हम। अच्छा ठीक है, अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा कि यहां मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इस टाइप से मैं बात करता हूं, इसको अगर पार्शली डिवाइड कर दूं, ये एक डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैं एप्सिलॉन आर वन यूज करता हूं, ये अनदर डायलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर टू यूज करें, ठीक है, ये तो एप्सिलॉन आर वन है, ये एप्सिलॉन कितना है आर टू है, इन दोनों का रिजल्ट क्या करो, इसे दोनों कैपेसिटर को सी वन सी टू कंसिडर कर लो सर, सीरीज में ऐड कर देंगे। अगर मैं यही कैपेसिटर मेरे पास है इस टाइप से कनेक्ट किया हुआ हो, ये सी वन है, ये सी टू है, सॉरी एप्सिलॉन आर वन है, ये एप्सिलॉन आर टू है, अब क्या करोगे सर, इसको सी वन कंसिडर कर लो, इसको सी टू कंसिडर कर लें, रिजल्ट कितना हो जाएगा, पैरेलल में ऐड कर देंगे, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज करो आपके पास है, अगर हम बात करें मेरे पास ये इस टाइप से अगर मैं हाफली डिवाइड करता हूं, ये तो एप्सिलॉन आर वन है और ये मीडियम कौन सा है, एप्सिलॉन आर टू है। अब बताओ ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए एरिया ऑफ द प्लेट गिवन ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट गिवन कितना स्मॉल डी, ये कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप ट्राई करना बेटा। इसका सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वैसे, ठीक है, बट पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सॉल्यूशन देखना है, क्लियर हुआ? तो हम बात करें अगर हमारे पास क्या हो, एप्सिलॉन आर वन आर को इंक्लाइन में बात करें इक्वली डिवाइड किया हो, ये एप्सिलॉन आर वन है, ये कितना है एप्सिलॉन आर टू है, इसका सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट हम बात करें, ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं हमारे पास, वो देखिए हमारे पास, फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए पहले इसका,
ओके डन। चलो ठीक है, एक नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम बात करते हैं। थर्ड टाइप कैसे करेंगे? टाइप थर्ड, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो कैसे आते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन में इनफाइनाइट सीरीज के। कैसे आते हैं बेटा? इनफाइनाइट सीरीज के, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट टाइप इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ले लिया हमने, एग्जाम्पल सपोज दैट ये C है, ये 2C है, ये 4C है, ये 8C है, ये 16C है, एंड सो कहाँ तक चल रही है बेटा ये सीरीज? इन्फाइनाइट तक चल रही है, ठीक है। तो इस सीरीज का मुझे क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या करना बेटा? सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है मुझे। ये इन्फाइनाइट सीरीज जो हमारे पास जा रही है उसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सर, इन्फाइनाइट सीरीज है तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास कितना होना चाहिए? इन्फाइनाइट आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला, सीरीज में बात करते हैं जब भी कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? चलो तो इस टाइप क्वेश्चन को सर कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिए बेटा, क्या हमारे पास क्या दिख रहा है? ये सारे जो है हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं सी, टू सी, फोर सी, एट सी, सिक्सटीन सी, कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में या पैरेलल में? वेरी गुड, किस में कनेक्ट है बेटा? सीरीज में कनेक्ट है ना। तो देखिए, तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास? 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/8C प्लस 1/16C एंड सो चलता रहेगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, यहां से देखो बेटा 1/C कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 1 प्लस क्या बचेगा हमारे पास? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, इस टाइप चलेगा। इन्फाइनाइट जा रही है मेरे पास। चलिए ठीक है, देखने पर क्या लग रहा बेटा? ये सीरीज बन रही है। कौन सी, कौन सी है? एपीए, जीपीए? वेरी गुड, कितनी है? जीपीए हमारे पास। अच्छा जीपीए, जीपी में इन्फाइनाइट जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जीपी में इन्फाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? कितना होता है? ए अपॉन 1-R और ए अपॉन R-1। ये फॉर्मूला कभी यूज करना है हमारे पास है? जब दो कंटिन्यूस टर्म्स की बात करें, दो कंटिन्यूस टर्म्स का जो रेशियो हमारे पास है R वो लेस देन 1 हो, और यहां बात करें R ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी दो कंटिन्यूस साइड का रेशियो निकाल लो आप टर्म्स का, 1 और 1/2 का 1/2, 1/2 1/4 का, इन दोनों का निकालें तो कितना आएगा? 1/2। इसका भी कितना आएगा? 1/2। और भाई देखो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 आ गया, अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई कितने कितना आएगा? 1/8 आ गया। क्लियर? तो यहां बात करेंगे आर का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 1/2 है, जो लेस देन है किससे? 1 से। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ए बाय 1-R। अच्छा ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितनी है? 1। तो यहां से बात करें, इसका जो सम होगा एस एन जो हो गया वो कितना आएगा मेरे पास? सॉरी, एस इन्फिनिटी जो होगा 1/1-1/2। 1-1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो दैट में कितना आ गया? 2। कितना आ गया बेटा? 2। तो इस इन्फाइनाइट सीरीज की कितना पुट कर सकता हूँ बेटा मैं? 2। 1/C इक्विवेलेंट कितना जाएगा मेरे पास? 1/C इंटू 2। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी बाय 2। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक इस टाइप से बात करें, इन्फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला कितना जाएगा मेरे पास? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी बाय 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही हमारे पास इन्फाइनाइट सीरीज है सर, पैरेलल में भी तो आ सकती है, ठीक है। कैसे वो देखिए, नहीं देखिए हमारे पास पैरेलल में कैसे आएगी? ये ऐसा कनेक्टेड हो,
ये फोर कैपेसिटर्स हैं, ये एट कैपेसिटर्स हैं, ये 16 कैपेसिटर्स हैं, ऐसे बात करें हमारे पास ये कितने हैं, इन्फाइनाइट कैपेसिटर्स हैं। बताइए सी इक्विवेलेंट कितना होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर आर गिवन सी, ठीक है। अब देखिए यहां से, यहां बात करूं मेरे पास ये कितना बेटा, ये है सी, ये कितना है सी बाई टू, अरे दो कैपेसिटर कनेक्टेड सी बाई टू हो जाएगा मेरे पास, चार कैपेसिटर कनेक्टेड सीरीज में कनेक्ट है, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं बेटा, ये मेरे पास है सी, नेक्स्ट पैरेलल में क्या कनेक्ट है मेरे पास सी बाई टू, फिर क्या कनेक्ट है बेटा सी बाई एट फोर, फिर सी बाई एट, उसके बाद सी बाई कितना है यार 16, ऐसे कहां से बेटा इन्फाइनिट तो जा रही है, सी बाई इन्फिनिटी आएगा मेरे पास। अच्छा ठीक है, ये लो ये ए है ये पॉइंट बी है, अभी सारे जो कैपेसिटर बेटा दिख रहे हैं वो किसमें है, पैरेलल में कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है बेटा पैरेलल में कनेक्ट है ना, तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल में, तो सर सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई एट प्लस सी बाई 16 प्लस एंड सो इन्फिनिट से लेगा। यहां से अगर बात करूं सी कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट प्लस 1 बाई 16, सर अगेन जी पी आ रही है मेरे पास, अगेन क्या बन रहा है मेरे पास जी पी बन रहा है, तो यहां से इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा हम, अगेन जी पी को अगर सोल्व करें तो ये देखो ऑलरेडी अभी हमने सोल्व किया था, हमने सोल्व किया था अभी हमने, कितना आया था मेरे पास 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट बोलो 1 बाई 16, ऐसे इन्फाइनाइट सीरीज की बात करें कितना आया था, वेरी गुड 2 आया था हमारे पास, कितना था 2, तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना आएगा मैडम हमारे पास 2C, कितना हो जाएगा 2C, वहां से कितना था C बाई 2, ये कितना आ गया हमारे पास C बाई सॉरी 2C, क्लियर। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, इन्फाइनाइट में लास्ट टाइप की जो है सीरीज कैसे बनती है वो भी देख लें, थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ये लो ये पॉइंट ए है हमारे पास है एंड दिस पॉइंट बी, वी हैव टू कैलकुलेट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट मुझे फाइंड करना है, ये हमारे पास कितना है सी 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 सी, सारे कैपेसिटर्स क्या हैं आइडेंटिकल हैं, क्या बेटा सारे कैपेसिटर क्या हैं आइडेंटिकल हैं, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो इस टाइप की हमारे इन्फाइनाइट सीरीज दे रखी है, इस इन्फाइनाइट सीरीज का जो बात करें सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ तो हमारे पास जीपी बन रही थी तो उसको सोल्व कर लिया हमने, यहाँ हमारे पास कोई जीपी जैसा मैटर हमें दिख रहा नहीं है, क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से करिए, हमारे पास बहुत सारे इन्फाइनाइट तक कैपेसिटर कनेक्टेड है हमारे पास, अगर इस इन्फाइनाइट में हम सबसे पहले देखना है हमारे पास है ऐसी कौन सी यूनिट है जिसे कंटिन्यूसली रिपीट करने पर यह सीरीज बन रही है, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसे कंटिन्यूसली अगर बात करें रिपीट करें हमारे पास है तो हमारे पास क्या बन रही है सीरीज बन रही है, ध्यान से देखो बेटा इस फॉर्मेट को या इस यूनिट को बार बार रिपीट करने पर, इस सेवन की शेप में जो बात करें बार बार रिपीट करने पर सीरीज बन रही है, क्या बन रही है, देखो ध्यान से इसको रिमूव कर दो अगेन वही सीरीज बन रही है, इस दो को रिमूव कर दो तो भी वापस वही सीरीज बन रही है, यही है इसका मतलब, इसकी एक यूनिट क्या है इस फॉर्मेट में, ये लो। अच्छा ठीक है, अब मैं बात करी सपोज करो मैंने क्या किया एज्यूम कर लिया बेटा क्या कि ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस कितना मान लिया सी नोट कंसिडर कर लिया,
कितना सी नोट। मान लो ऐसा सपोज दैट हमने कहा लेट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज सी नोट। कितना बेटा सी नोट। अब अगर सी नोट मेरे पास कैपेसिटी इनका है सी इक्विवेलेंट मेरे पास गिवन है सी नोट है, इस सी नोट में से अगर मैंने क्या किया एक यूनिट अगर मैंने बाहर निकाल ली, इस यूनिट को रिमूव कर दिया, तो इसके कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर इन्फाइनाइट थी सीरीज, इसमें एक यूनिट बाहर निकाल लो, अभी भी इन्फाइनाइट सीरीज ही बन रही है, अभी भी इन्फाइनाइट ही है। अरे भाई हमारे पास हमने कहा ए टू बी तक के लिए कितनी सीरीज है, इन्फाइनाइट सीरीज बन रही है मेरे पास, कहाँ जा रही है इन्फाइनाइट जा रही है, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें से मैंने एक यूनिट को अगर मान लो रिमूव कर दिया, एक यूनिट को अगर रिमूव कर दूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? सर अभी भी इन्फाइनाइट रहेगी, तो सी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कुछ नहीं, अभी भी सी इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, सी नॉट आना चाहिए, यही है। अरे भाई एक यूनिट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही बात है मैंने कहा एक समुद्र से एक लोटा पानी बाहर निकाल लें तो उसके पानी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमारे पास है इन्फाइनाइट सीरीज में से एक यूनिट मैंने बाहर निकाल ली तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया बेटा, क्या कोई भी पॉइंट पी कंसिडर किया, ये भी पॉइंट क्या है क्यू कंसिडर किया, तो मैंने कहा अगर ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस मेरे पास कितना आ रहा है, सी नॉट आ रहा है, दैट मीन्स पी और क्यू के बीच का कैपेसिटेंस भी कितना आना चाहिए। अगर ये ब्रांच अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो पी और क्यू के बीच का कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए, सी नॉट आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा अब सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमने क्या कैंसिल किया, पी और क्यू के बीच का कैपेसिटेंस कितना माना है हमने, सी नॉट, क्या है सी नॉट। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये पॉइंट पी है एंड दिस पॉइंट क्यू, भाई पी और क्यू के बीच का कैपेसिटेंस कितना कंसिडर किया हमने, सी नॉट माना है ना हमने, सी नॉट होगा, यही है, ये सी है, ये सी है, ये कितना बेटा ए और बी, क्लियर। और अभी बात करें ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस जो है वो आना चाहिए, वो भी कितना आना चाहिए, सी नॉट ही तो आना चाहिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सर ये तो क्या होगा पैरेलल में, क्या हुआ नहीं आया समझ में? अरे भाई हमने क्या कहा कोई इन्फाइनाइट वाली सीरीज है, दोबारा देख लो एक बार, इन्फाइनाइट वाली सीरीज है, मैंने बोला ए और बी पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है मेरे पास, सी नॉट कंसिडर किया, मान लिया इसका, इस इन्फाइनाइट सीरीज में से मैंने एक टर्म समाप्त करें या एक यूनिट मैंने बाहर निकाल ली। अब बात करें पी और क्यू पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, सर अभी भी सी नॉट ही होगा, सीरीज में कोई चेंजेस नहीं आया हमारे पास, कितना होगा सी नॉट। तो इस को अगर बात करें सी और क्यू पी पॉइंट के बीच का, सॉरी पी और क्यू पॉइंट के बीच की बात करें, कैपेसिटेंस मेरे पास सी नॉट है, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यूज करते हुए इसको मैं रिमूव कर सकता हूं क्या, या इस सीरीज को मैं सी नॉट से रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकते हैं ना। अरे इस पूरी सीरीज को पी से क्यू के बीच की जो सीरीज है उसको सी नॉट से रिप्लेस कर दें, ऐसा ही हमने किया है, पी से क्यू तक की जो मेरे पास कितना कैपेसिटी का कंसिडर किया है सी नॉट, इक्विवेलेंट है इसका मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं मैं। अब देखिए सी नॉट और सी तो क्या है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वो किसके साथ सी के साथ किसमें आएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, सर वो भी सी नॉट ही आएगा, यही है। अब देखो यहां से तो पी और क्यू ये दोनों कौन से में है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल का मतलब सी नॉट प्लस सी, सी नॉट प्लस सी, अच्छा ठीक है। अब ये दोनों जो है हमारे पास है किसके साथ होंगे सीरीज में, और सीरीज का मतलब क्या हो गया ये दो होंगे पी और क्यू के बीच का डॉट सी अपॉन में सी नॉट प्लस सी प्लस सी, ये हो गया बिटवीन ए एंड बी सी ए बी, जो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए सी नॉट के, क्लियर यहां तक। अब सॉल्व कीजिए बेटा इसको, क्या आ रहा हमारे पास सी सी नॉट प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सी नॉट प्लस टू सी इक्वल टू सी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा कितना आएगा सी नॉट स्क्वायर प्लस टू सी सी नॉट इक्वल टू सी सी नॉट प्लस सी स्क्वायर, एक सी सी नॉट से सी सी नॉट कैंसिल आउट हो गया,
सी नॉट स्क्वायर प्लस सी सी नॉट माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या ये हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? सी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये सी नॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? क्या सी नॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? क्या बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ सी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सर या तो फैक्टराइज कर लो, अदरवाइज श्री धराचार्य फॉर्मूला यूज कर लें। यही है। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। यही होगा। अच्छा ठीक है, ए तो ए क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ सी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना है? वन। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सी नॉट, कोफिशिएंट ऑफ, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कॉन्स्टेंट वैल्यू। यहां बात करें मेरे पास है, ध्यान से देखना बेटा, माइनस बी, बी की वैल्यू कितना पुट करूंगा मैं? ये तो हो गया मेरे पास, ए तो हो गया वन, बी हो गया मेरे पास सी, और सी हो गया मेरे पास माइनस सी स्क्वायर। तो क्या हो गया? माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस फोर वन माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? टू। देखिए फोर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गए? फाइव सी स्क्वायर कितना हो गया बेटा? माइनस सी प्लस माइनस सी रूट फाइव बाई टू। अधिक कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में तो होता नहीं है हमारे पास, पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव में होगा तो सी इक्वलेंट का वैल्यू कितना हो गया? सी नॉट का वैल्यू कितना हो गया? सी को मान ले लूँ रूट फाइव माइनस वन बाय टू। ये लो, ये मेरे पास हो गया सी इक्वलेंट। क्लियर है यहाँ तक? ये थे हमारे पास हैं नेटवर्किंग में सी इक्वलेंट कैसे फाइंड करेंगे हमारे पास है। फर्स्ट तो बेसिक हमने पढ़ा था, सेकेंड हमने डायरेक्टली मीडियम के साथ पढ़ा, थर्ड हमने क्या पढ़ा? इन्फाइनाइट सीरीज के साथ। इसके अलावा भी हम बात करें, हमारे पास दो मेथड और भी हैं हमारे पास है, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? एक तो हमारे पास यूज होगा कनेक्ट वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, और एक होगा हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।